गर्मी का मौसम चल रहा है और चारों तरफ आम ही आम नजर आ रहे हैं। और आम तो हम सभी के फेवरेट होते हैं, चाहे बच्चे हों या बड़े, सभी को आम का सीजन हो और आम की रेसिपी ना बनाई जाए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आम की एक ऐसी ज़बरदस्त टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी, जिसको एक बार खाने के बाद आप इसके दीवाने हो जाएंगे। सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये रेसिपी बनती है। आज हम बना रहे हैं मैंगो मिल्क पेड़ा। आप इसको मेरे तरीके में मेरे साथ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे थम्स अप कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस डिलीशियस सी रेसिपी को। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सीमा, बेस्ट जायका भी सिंगिंग में आप। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने ले लिया है एक आम, इसको अच्छे से धुल लिया है। सबसे पहले इसको छील लेंगे और छील कर इसका हमें पल्प निकाल लेना है। तो चलिए इसको छील लेते हैं। कैसे, हम इसको छील लेंगे और इसका सारा पल्प निकाल लेंगे। आम यहाँ पर आप कोई सा भी ले सकती हैं, जो आपके पास हो उसको आप इस रेसिपी के लिए यूज। ये देखिए, आम को हमने छील लिया है। अब चलिए इसको डालेंगे ग्राइंडर जार के अंदर और इसकी एक प्यूरी बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, आम की हमने प्यूरी बना ली है। मेजरमेंट के लिए हमने इसको कप में निकाल लिया है। ये एक कप मैंगो की प्यूरी है। आप भी मेजरिंग के लिए कोई कप या बाउल सेट कर ले, उसके बाद इस रेसिपी को बनाना शुरू करें। अब एक कढ़ाई को रख लेंगे गैस पर और इसमें हमें कोई भी घी या तेल वगैरह कुछ नहीं डालना है। इसमें डाल देंगे हम ये मैंगो की प्यूरी। गैस की फ्लेम को रखेंगे लो टू मीडियम। ये लिया है थोड़ा सा इलायची का पाउडर, इलायची को हमने दरदरा कूटा हुआ है उसको डाल देंगे। और इसको हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए थोड़ा सा पका लेना है, लगभग 5 से 7 मिनट के लिए इसको लगातार चलाते हुए पकाएंगे, ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, जो उसमें जो पानी होता है वो थोड़ा सा सूख जाए। हाथ को बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे, गैस की फ्लेम को रखेंगे लो टू मीडियम। 2 मिनट इसको पकाने के बाद डाल देंगे 1/4 कप हमने लिया है चीनी। चीनी को डाल देंगे। चीनी आप इसमें कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं, आम पर डिपेंड करता है कि आम कितना मीठा है या फीका है, उस हिसाब से आप इसमें चीनी को डालें। अब इसको लगातार चलाते रहेंगे और इसको पकाते रहेंगे कि आपको पता है चीनी डाली है इसमें चीनी पानी छोड़ेगी, और इसको हमें तब तक पकाना है जब तक कि चीनी वाला जो पानी है वो थोड़ा सा सूख ना जाए, तब तक इसको पकाते रहेंगे। हमारा आम मीठा है इसलिए मैं इसमें 1/4 कप ही चीनी का डाल रही हूँ। अगर आपका आम थोड़ा सा फीका हो तो आप इसमें चीनी की मात्रा को बढ़ा भी सकती हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही कम सामान से बनती है। खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है कि सबको, बड़े हो या बच्चे, सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, सब इसको खुश होकर खाते हैं। तो इन गर्मियों में आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं। आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे थम्स अप दें, और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें। 4 से 5 मिनट हमने इसको पका लिया है। ये देखिए, चीनी का पानी थोड़ा थोड़ा सूख चुका है, ये थोड़ा सा गाढ़ा हो रहा है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 कप और 1/4 कप मिल्क पाउडर डाल देंगे और इसको अच्छे से मिलाते रहेंगे। और इसको हमें तब तक पकाना है जब तक कि अच्छे से गाढ़ा ना हो जाए, मतलब कि पैन छोड़ने वाली कंसिस्टेंसी में ना हो जाए। गैस की फ्लेम को लो रखेंगे और इसको लगातार चलाते हुए पकाते रहेंगे। यहाँ पर आप इसमें नारियल का बारूदा का भी यूज कर सकती हैं, अगर आपको कोकोनट पाउडर का टेस्ट पसंद हो तो उसको डाल दें। 1 चम्मच भर के डाल देंगे देसी घी, ज़्यादा घी का यूज नहीं करेंगे, बस 1 चम्मच ही हमें घी का डालना है। मिला देंगे और इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि ये पैन ना छोड़ दे। आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स का भी यूज कर सकती हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ, हम इसको ऐसे ही बनाएंगे। आप देख रहे होंगे धीरे धीरे ये गाढ़ा होता जा रहा है। अभी हम इसको 1 मिनट के लिए और चलाते रहेंगे। ये देखिए, ये पैन छोड़ने लगा है, बहुत अच्छे तरीके से गाढ़ा हो चुका है। चलिए इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं, गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, बस इससे ज़्यादा हम इसको नहीं पकाएंगे। ये सारा मैंगो वाला बैटर हम निकाल देंगे एक प्लेट या ट्रे में, इसको हमने ऑयल से ग्रीस कर लिया था। सारा मिक्स हमने कढ़ाई में से निकाल लिया है, अभी इसको हम ठंडा होने देंगे। इतना ठंडा करेंगे कि इसको हम हाथ से छू पाए और इसके पेड़े बना पाए। ये देखिए, हमारा जो मिक्स है वो थोड़ा ठंडा हो चुका है। चलिए इसके पेड़े बना लेते हैं। हाथों को हम कर लेंगे थोड़ा सा ग्रीस घी से, और इसमें से थोड़ा थोड़ा हमें लेना है बैटर इस तरीके से, ये देखिए। और इसके हमें पेड़े बना लेने हैं, पहले गोल गोल बीच में लड्डू की तरह से बनाएंगे इसको दोनों हाथों के बीच में से इस तरीके से, ये देखिए। थोड़ा सा ऐसे दबा देंगे जैसे पेड़े होते हैं, ये देखिए इस तरीके से। अब हमने लिए थोड़े से पिस्ते, इस पर हम लगा देंगे पिस्ता, ये देखिए। एक पेड़ा हमारा बनकर तैयार हो गया है, इसी तरीके से सारे पेड़े बना लें। तो ये लीजिए, सारे पेड़े बनाकर हमने प्लेट में रख लिए हैं, बहुत ही अच्छे हमारे पेड़े बनकर तैयार हैं।
बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, डिलीशियस और सबके मनपसंद, क्योंकि आम तो सभी को पसंद होता है, कहने की बात नहीं है। बच्चा हो या बड़ा, आम का हर कोई दीवाना होता है। तो इस मेरे तरीके से आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। अगर मेरी रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे थम्स अप दें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें। तो मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।